सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की हमारी वीडियो में मैं दूंगा पूरा हिंदी में रिव्यू Hyundai Aura और S वेरिएंट है। सो ये मैनुअल और S वेरिएंट है, पेट्रोल मॉडल है। आज मैं दूंगा इसका पूरा रिव्यू हिंदी में। अगर आपको ये कार अच्छी लगती है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर शोन हो रहा है या विजिबल हो रहा है सो वो है शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर, तो जल्दी से कॉल करके आप परचेज़ कर सकते हैं अपनी Hyundai Aura को। और जो सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है वो है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू आप जो है किसी भी कार में कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, लाइक आपको आरा में कन्फ्यूजन हो रही है या सेंट्रो को लेकर, क्रेटा सेल्टॉस को लेकर कन्फ्यूजन हो रही है कि किसे परचेज़ करें, सो वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसकी पूरी लुक के बारे में। हमारी Hyundai Aura, सो जल्दी से वीडियो के साथ करते हैं, बात करते हैं इस पूरे Hyundai Aura के लुक के बारे में। सो यहाँ पे ये पार्क की गई है, शोरूम में पार्क नहीं है। सो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको सब कुछ स्टार्टिंग में बता दिया। जल्दी से लुक के बारे में बात करते हैं। सो आपको मिलेगा रेडिएटर ग्रिल, सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में किसी भी कार की हम बात करते हैं तो उसका फ्रंट आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रिल। सो यहाँ पर आपको मिलेगा एक रेडिएटर ग्रिल ब्लैक स्टफ के साथ, क्योंकि ये एस वेरिएंट है सो आपको एक नॉर्मल ग्रिल मिलेगा सिल्वर के सराउंडिंग के साथ। अदरवाइज अगर ये टॉप मॉडल होता है, सेकंड टॉप होता है, तो आपको क्रोम फिनिश प्रोवाइड की गई होती। वहीं पे बात करते हैं इसके होल डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है और फ्रंट बहुत अच्छा, गुड लुकिंग और फाइन वर्क डिटेल्स, डिटेलिंग बहुत अच्छी की गई है इस पर। सो बात करते हैं हेडलैम्प की। सो यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलैम्प प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं हेलोजन हेडलैम्प, जिस पर जो बहुत से हनीकॉम डिज़ाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हनीकॉम वर्क आपको प्रोवाइड किया गया है। हेडलैम्प बहुत अच्छा बनाया गया है, मैसिव है साइज़ में। अगर बात करते हैं फॉग लैम्प की, सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक फॉग लैम्प, क्रोम फिनिश के साथ सराउंडेड है पूरा फॉग लैम्प, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ब्लैक स्टफ वर्क भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ इधर की, तो ये हमारा हो गया पूरा बम्पर। सो आपको मिलेगा बॉडी कलर बम्पर इस कार के लिए। एंड बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो साइड से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन। जो हमारा फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल किया गया है, हुड को ज़्यादा लार्ज नहीं बनाया गया है। हुड की बात पर आए, सो लेट्स क्विकली ओपन द बे ऑफ दिस इंजन बे ऑफ दिस कार। सो फ्रॉम द राइट हैंड आई विल ओपन इट। और बात करते हैं हम पूरे इंजन फिनिश के कि कैसा इंजन इसे प्रोवाइड किया गया है। इंजन बे बहुत ज़्यादा लाइटर है इसका। बात करते हैं इंजन की, तो कापा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि ऑफर करेगा अबाउट 81 bhp की हॉर्स पावर एट 6000 rpm। वहीं पे टॉर्क की बात करें तो 113 lm की टॉर्क के पूरे जनरेट करने वाली है कार, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक बहुत अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करेगी ये कार, अगर मैं बता दूँ। और इसका इंजन जो है 1197 cc इंजन है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। और ये थी हमारी पूरी कार का फ्रंट लुक। साइड पर बात करते हैं, और गाइस इस वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग पे जाऊंगा नहीं मैं, बिकॉज़ मैंने ये इससे भी पहले वीडियो बना रखी है एक Hyundai Aura की, जो कि इंग्लिश में है, उसमें पूरी डिटेल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं इसके टायर की, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 165/70 R14 टायर, जो कि ये नॉर्मल स्टील व्हील है, व्हील कवर आपको प्रोवाइड किया गया है। और ये बिल्कुल नॉर्मल टायर है, पोलो के टायर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्टर सस्पेंशन आपको फ्रंट के लिए मिलेगा, वहीं पर डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिलेगा। सो गाइस जल्दी से रियर पे चलते हैं, रियर टायर की बात कर लेते हैं। तो रियर में आपको मिलेंगे टॉर्सन बीम एक्सल सस्पेंशन विद द ड्रम ब्रेक्स, और टायर का साइज वही रहेगा, आप देख सकते हैं दोनों फ्रंट टायर्स को, नॉर्मल स्टील व्हील है, अलॉय आपको टॉप मॉडल्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। वहीं पे बात करता हूँ इंडिकेटर की, तो ये हमारा इंडिकेटर प्लेस्ड है यहाँ पर, सिंपल ORVM मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, और एक नॉर्मल बॉडी कलर ORVM आपको प्रोवाइड किया गया है, जिस पे इंडिकेटर की प्लेसिंग नहीं हुई है, सो वो भी मैं बता देता हूँ। पावर विंडो फॉर द फ्रंट एंड एट द रियर में पावर विंडो फ्रंट मिलेगा आपको, एंड कीलेस एंट्री फीचर इज़ ऑल्सो अवेलेबल विथ यू नीड टू प्लग इन द की ऑल्सो। सो ये थी हमारी पूरी साइड प्रोफाइल इस कार का।
साइड में भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, ज़्यादा डिटेल पे नहीं गया हूँ मैं, तो ये हमारी पूरी डिटेलिंग, ज़्यादा डिटेल पे नहीं गया हूँ। और अगर एरोडाइनमिक की बात करूँ तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर की गई है एरोडाइनमिक इस पूरी कार में। सो लेट्स ओपन द बूट ऑफ दिस कार, रियर पे चलते हैं, रियर की बात कर लेता हूँ मैं। सो अगर मैं रियर की बात करूँ तो आपको मिलेगा एक बहुत बढ़िया यहाँ पे जेड शेप का आपको टेल लैम्प प्रोवाइड किया गया है। जेड शेप का टेल लैम्प है जो कि एलईडी के साथ आता है, आप देख सकते हैं। सो एलईडी के साथ आता है एक जेड शेप का टेल लैम्प विद द क्रोम बेल्ट, कनेक्टिंग बेल्ट आपको प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, क्रोम की कनेक्टिंग बेल्ट प्रोवाइड की गई है, जो कि देखने में अगर हम दूर से देखें तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। और मोस्ट ऑफ द Hyundai इस कार पे अब कनेक्टिंग लाइट्स आपको प्रोवाइड की गई है, एक क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड की जा रही है। सो वहीं पे बात करते हैं अगर ऑरा की बैजिंग की, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है ऑरा की बैजिंग और Hyundai की बैजिंग। और ये था हमारा पूरा रियर वर्क। अगर बात करते हो पार्किंग सेंसर्स की, तो सेफ्टी के लिए आपको 2 पार्किंग सेंसर आपको रियर में प्रोवाइड किए गए हैं, ओनली 2 पार्किंग सेंसर। अगर मैं कैमरा की बात करता हूँ तो रियर पार्किंग कैमरा आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है इस कार में, बिकॉज ये हमारा जो है S वेरिएंट है, इस रीज़न की वजह से। बात कर लेते हैं इधर की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पावर विंडो एट रियर, आपको एंटीना मिला है और डी फॉगर तक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो आपको डी फॉगर मिला है, एक और सेफ्टी फीचर है। सो जल्दी से बूट को ओपन करते हैं, बात करते हैं इसके पूरे बूट स्पेस की कि कितनी बूट आपको प्रोवाइड की गई है रियर में। सो गाइस, अगर हमें बूट को ओपन करना है तो हमें इंटीरियर में जाना होगा इस कार की, या वी नीड टू गेट इनसाइड द कार एंड फ्रॉम हियर वी नीड टू ओपन दिस। सो दिस इज अ लैग फीचर, वी नीड टू पुट सम मोर एफर्ट टू ओपन द बूट ऑफ दिस कार, बट बूट लुक्स सो गुड इन दिस। सो हियर लेट्स टॉक अबाउट द बूट। सो द बूट इज सो लाइट है, इफ वी टॉक अबाउट द बूट स्पेस, सो 402 लीटर ऑफ बूट स्पेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दिस कार, विच इज सो मैसिव। वी विल टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार। सो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया, यानी कि इसके सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहीं पे R14 टायर्स आपको इस स्टील व्हील में प्रोवाइड किए गए हैं, स्पेयर टायर की बात करें तो। सो बहुत बड़ा बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बूट स्पेस की इस कार की, सो इस कार में बहुत बढ़िया बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। तो जल्दी से आप इंटीरियर की बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसके इंटीरियर में अवेलेबल हैं। पहले रियर सीट पे चलते हैं, फिर फ्रंट में चलेंगे और फिर बात करेंगे फ्रंट की। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरी पुरानी वीडियोस का, सो उसमें मैंने SX वेरिएंट का जो है आपको पूरा रिव्यू दिया था। सो बात करते हैं इसकी, सो इंटीरियर में चलते हैं। अगर बताता हूँ मैं इंटीरियर की, तो मैंने उसमें भी यही बताया था कि इसका जो कम्फर्ट है, सो सीट का कम्फर्ट बता देता हूँ मैं। सो अगर मैं बात करता हूँ सीट कंफर्ट की, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं पे अगर मैं लेग रूम की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा लेग रूम मुझे प्रोवाइड किया गया, कितना मैसिव लेग रूम है। नी रूम की कोई भी कमी नहीं है, अगर मैं ऐसे बैठूँ या ऐसे भी बैठूँ तो नी रूम की कोई भी कमी नहीं है। वहीं पर सीट की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीट्स हैं। मतलब Hyundai की कार में मुझे उनका बेस्ट पार्ट उनका कंफर्ट लगता है, कि आप कितनी भी लॉन्ग जर्नी पे Hyundai की कार्स के साथ चले जाइए, आप कभी भी टायर्ड नहीं होंगे। और वहीं पे बात करते हैं इधर की अंडर थाई सपोर्ट की, तो बहुत ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट आपको प्रोवाइड की गई है अगर मैं उसकी बात करूँ तो। और जर्नी को जो बेस्ट बनाते हैं उनकी कार्स में AC वेंट्स, तो आपको रियर AC वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। होल्डर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, लाइट्स का भी ऑप्शन है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एक आर्मरेस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है जो कि मैं ओपन नहीं कर सकता बिकॉज इस पर ये पूरा कवर्ड हो रखा है पॉलीथीन से। सो आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है। एंड कम्फर्ट की बात करूँ तो माई गॉड, बहुत ज़्यादा अमेजिंग कम्फर्ट होता है Hyundai की कार का। जो बेस्ट पार्ट होता है इनकी कार्स का, वो इनका कम्फर्ट होता है। सो ये रियर डोर हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको यहाँ पर भी मिलेगा एक वाटर बॉटल रखने की स्पेस प्रोवाइड की गई है, सो 1 लीटर वाटर बॉटल आप आराम से इसमें रख सकते हैं। चलते हैं अब फ्रंट की बात कर लेते हैं। सो अगर मैं बता देता हूँ कितने डिग्री एंगल पे ये कार का गेट ओपन होता है ऑरा का, सो आप देख सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पे ये ओपन होगा। अगर इंटीरियर की बात करता हूँ मैं, इंटीरियर में चलते हैं। सो यहाँ पे पहले डोर्स की बात कर लेते हैं, इसके डोर की, फ्रंट डोर की बात करता हूँ।
सो आपको मिलेगा ये पूरा विंडो कंट्रोल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जितना भी विंडो कंट्रोल आप देख सकते हैं, और डुअल टोन आपको डोर प्रोवाइड किया गया है, एंड यहाँ पे 1 लीटर वाटर बॉटल रखने की स्पेस है, तो वहीं पे स्टफ़ रखने की भी स्पेस आपको प्रोवाइड की गई है। स्पीकर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो ये था हमारा पूरा डोर, बहुत ज़्यादा अच्छा डोर है। चलिए चलते हैं इधर, इसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलेगा, क्लोज करके बात करते हैं डोर। सो ये हमारा इंटीरियर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीरियर। सबसे पहले स्टेयरिंग की बात कर लेता हूँ, तो ये हमारा पूरा स्टेयरिंग व्हील है। सो स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, भले ही थोड़ा सा अभी आपको अपोजिट में दिख रहा हो, उल्टा दिख रहा है अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। सो अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा वर्क, स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया, पावर स्टेयरिंग व्हील है। वहीं पे बात करता हूँ, टिल्ट स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड किया गया, यू कैन एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ एंड देन क्लोज इट। सो क्लोज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये हमारा Hyundai की बैजिंग है, इधर आपको कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, फ़ोन पिकअप एंड डिक्लीन ऑप्शन प्रोवाइड किए गए, मोड ऑप्शन एंड वॉइस कंट्रोल, वॉइस कट एंड इंक्रीज ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। वहीं पे बात करते हैं क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, वहीं पे यहाँ पे टैकोमीटर प्रोवाइड किया गया है, एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई, जिस पे आपको पूरी एवरेज इस कार की शोन होगी, हाउ मैनी डिजिटल ऑडोमीटर प्रोवाइड किया जाएगा, वही सब। सो लेग रूम की बात करता हूँ, सो आप देख सकते हैं फ्रंट सीट में कितना सारे लेग रूम है, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल सीट आपको प्रोवाइड की गई। सीट की बात करता हूँ तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया, बट इसका कंफर्ट देखें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर पूरे लुक की बात करूँ तो सीट की बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, Hyundai की सीट में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, कोई भी बिल्कुल भी कमी नहीं निकाल सकता। वहीं पे इनके डिज़ाइन जो होता है, पूरे कार का स्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। इस कार का भी वैसा ही है। तो जल्दी से बात करते हैं इधर के, तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन टॉप मॉडल्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आपको सिंपल एक सेटअप मिलेगा, एंटरटेनमेंट रेडियो फीचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंटरटेनमेंट के लिए आपके ऑडियो फोन फेवरेट एंड ट्रैक सीक मेन्यू क्लॉक एवरीथिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड हियर। सो आप जो भी है अपना यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एसी वेंट है अपना, आपका जो एसी वेंट है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और यहाँ पे डैशबोर्ड के डिज़ाइन की बात करो तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे जो हनीकॉम वर्क फ्रॉम प्रोवाइड किया जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक छोटी सी स्टफ़ रखने की स्पेस है। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो बहुत बड़ा मैसिव ग्लोव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे बात करते हैं तो मिरर नहीं अवेलेबल है, वहीं पे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी मिरर अवेलेबल नहीं है, इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सो एसी कंट्रोल आपको प्रोवाइड किया गया है, एक यूएसबी एंड चार्जिंग केबल प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, और इधर आप अपना फ़ोन कैप्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टफ़ जो भी आपको रखना है। सो ये हमारा गेयर बॉक्स हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड हेयर अगर बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे कप होल्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं, और इधर हैंड ब्रेक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टफ रखने की स्पेस प्रोवाइड की गई है। सो ये पूरा लुक था हमारा कार का। एडजस्टेबल हेडरेस्ट ABS के साथ आती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, पावर विंडो फ्रंट में मिलता है, रियर में मिलता है, डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर्स, एडजस्टेबल सीट्स, ये सब हमारे सेफ्टी फीचर्स में आते हैं कुछ, और बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं पूरी कार में डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी फीचर भी इसमें अवेलेबल है, और फॉग लैंप सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है, वो भी अवेलेबल है। सो ये सब सेफ्टी फीचर्स हमारे अवेलेबल थे। कंफर्ट की देखें तो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो एक सबसे बड़ा कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर यही होता है कि सीट कंफर्टेबल हो। यहाँ पे स्टफ़ रखने के आपको बहुत बढ़िया स्पेस मिली है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको रियर में मिलेंगे, सो वो भी एक कम्फर्ट फीचर है, रियर व्यू मिरर है, इनसाइड रियर व्यू मिरर, एंड ORVM पावर एडजस्टेबल ORVM है, यहाँ से आप देख सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स जो हैं कंफर्ट में आ गए। वहीं पे कन्वीनियंस की बात करें तो कन्वीनियंस भी वही है, कंफर्ट और कन्वीनियंस सेम ही है। परफॉर्मेंस आपको मैंने बताई थी पूरी इंजन की, और ज़्यादा डिटेल चाहिए इस कार के, बहुत सारी डिटेल्स, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें देख सकते हैं। सो गाइस उसमें जाकर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो ये थी हमारी पूरी Hyundai Aura, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पूरा डिज़ाइन। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने दे दिया आपको पूरा हिंदी में डिटेल रिव्यू Hyundai Aura का, जैसे कि आप देख सकते हैं।
सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से क्लिक कर दे लाइक बटन पे और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स को कि उन्हें भी पता चले Hyundai Aura के पूरा स्पेसिफिकेशन। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से क्लिक करें रेड सब्सक्राइब बटन पे और बन जाएं SPS कार की फैमिली का हिस्सा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तुरंत ही देख सकें। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।